Hello my dear serious aspirants, I hope you are doing very well. This is Sabia here working as an RRBPO. This video is all about a complete mains strategy regarding RRBPO. So your RRBPO prelims examinations are over now, and I know you all are ready.

ए हैं तो यू हैव डन गुड एंड आपके प्रिपरेशन में लग जाइए और वेस्ट ईयर की, uh, की लाइन तो uh, एक, एक होती है उसका पता चल जाएगा ठीक है तो उसको एक बार देख लीजिएगा बाकी हमें यह सब नहीं सोचना है मेन्स के प्रीपरेशन में लग जाना है बिकॉज ऐसा नहीं है कि समझ लीजिए हमने बहुत अच्छे से मेन्स प्रिपरेशन कर ली और लास्टली हमारा प्री का रिजल्ट निगेटिव आया तो हम, हमारा कुछ वेस्ट हुआ नहीं बिकॉज आगे हमारे हमारे बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं और पीओ के लिए के एग्जामिनेशन जो है वो सारे बचे हुए हैं आई बी पी एस पी ओ एस बी आई पी ओ एंड जिनका बहुत ही खराब गया है जिन्होंने ट्वेंटी हैं जनरल कैटेगरी से थर्टी तो अपने लूप होल्स को आप देखिए कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं ठीक है आई बी पी एस क्लर्क आई पी एस पी ओ एस बी आई पी ओ सब अभी बचे हुए हैं और आप अपनी फुल फ्लेज प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए फुल्ली अपनी स्ट्रेटेजी जो थी उसे इंप्रूव करने की कोशिश करिए हमने बहुत सारी वीडियोज डाले हुए हैं उसे आप प्रेफर कर सकते हैं एंड अपने लूप होल्स कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं उसे देख कर अच्छे से आगे प्रिपेयर करिए डिसंट तो बिल्कुल

सेवेंटी फ़ाइव तक गया है कट ऑफ़ हंड्रेड तक भी कहीं पर टच किया है मुझे उतना आइडिया नहीं है हंड्रेड तक का तो लेकिन सेवेंटी सेवेंटी फाइव तक कट ऑफ गए हैं लास्ट ईयर के मेंस के तो गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा और जो भी कट ऑफ जाता है उससे लगभग आपको 20 मार्क्स ज़्यादा लाने होते हैं ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में रहें ठीक है तो मतलब जो इंटरव्यू के मिला के और फिर लास्टली एक मार्क्स जो आते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ों करने के लिए हमें एक अपने मन में हमेशा रखना चाहिए कि हमें जो मार्क्स होते हैं टू मार्क्स अगर हैं तो उसमें हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हमारे वन थर्टी मार्क्स आ जाए ठीक है एकदम सेफर साइड की बात कर रही हो तो यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर चीज़ पता होनी चाहिए कभी भी मार्क्स वगैरह दे रहे हैं तो कि हमें इतना मार्क्स टारगेट करना है क्योंकि हम सिर्फ कट ऑफ का नहीं सोच सकते हमें उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं बहुत सारे लोग तो कट ऑफ एग्जैक्टली कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं पॉइंट फाइव मार्क्स से वन मार्क्स से लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है जो फाइनल स्कोर डिसाइड होता है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है ठीक है सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ दैट एंड अब सबसे स्टार्टिंग में आपको अब एक मेन्स का मॉक टेस्ट देना है सबसे स्टार्टिंग में आप बोलोगे अभी से क्यों प्रिपेयर करने के बाद देंगे नहीं सबसे पहले आपको देना है ताकि आप अपना लेवल समझ सकें कि मैं किस लेवल पे हूँ अभी और मुझे कहाँ तक जाना है कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है कौन से टॉपिक से मुझे ज़्यादा वर्क करना है सब कुछ आपको इस मॉक के एनालिसिस से समझ में आ जाएगा आर आर बी पी ओ मेन्स का एक मॉक फ्री है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी वहाँ से आप ये मॉक को फर्स्ट मॉक जो है उसको दे लेना और ये बिल्कुल फ्री है वहाँ से आप दे दीजिए और आप एनालिसिस उसका कर लीजिए सबसे स्टार्टिंग में आपको यही करना है प्रिपरेशन आपको ऐसे स्टार्ट करनी है उसके बाद हम बात करते हैं अब इंग्लिश के बारे में ठीक है सो टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सी क्वांट रीजनिंग ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं ना जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स के इसमें सेम टाइप के मार्क्स आते हैं क्योंकि लेवल थोड़ा टफ आता है मॉडरेट टू टफ़ आता है तो सेम टाइप के मार्क्स आते हैं लेकिन द डिफरेंस एज आई हैव सेड इट ऑलवेज इज क्रिएटेड बाई इंग्लिश एंड जी एंड अगर आपका ये जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है देन आप मैक्सिमम लोगों से आगे रेस में ऑलरेडी निकल चुके हैं एंड इंग्लिश की अगर बात करें तो मीन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर ग्रामर जो है वो सबसे ज़्यादा मायने नहीं रखता आपके लिए जैसे कि प्री में था यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो है रीडिंग द मोर यू हैव रीडिंग हैबिट द मोर यू प्रैक्टिस आर सी तो उतने आपके चांसेस हैं कि आपके बेस्ट मार्क्स आएंगे इंग्लिश में ठीक है तो उसके लिए हमें एडिटोरियल जो है उसे पढ़ना है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया यहाँ पर एडिटोरियल आप द हिंदू के पेपर को अगर डेली नहीं भी पूरा रीड कर रहे हैं लेकिन आपको एडिटोरियल फॉलो करना है उसे आपको डेली रीड करना है थीक? है, वो कैब जो है आपको बिल्ड करना है जो भी आप पैसेज वगैरह पढ़ते हैं एडिटोरियल में उसमें से न्यू न्यू वर्ड्स जो आपको मिल रहे हैं उसको आपको मेंटेन करना है अपनी एक डायरी बनानी है उसमें न्यू वर्ड्स को मेंटेन करना है विथ द मीनिंग ओके और एडिटोरियल पढ़ने की हम क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि एडिटोरियल जो है उससे आपका ओपिनियन भी फॉर्म होता है उससे आपका करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग हो रहा है बिकॉज वो बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और उससे आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग हो रहा है ठीक है तो जो आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर में या फिर एडिटोरियल में जो आर्टिकल्स होते हैं उसे आपको डेली रीड करना है और उससे अपना वो कैब निकाल करके आपको अलग से रखना है और दूसरी बात ये कि आपको समरी खुद के वर्ड्स में समरी बनाकर रखना है ये आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर जो आगे होगा आई बी पी एस पी ओ का एस बी आई पी ओ का इन सब में बहुत काम आएगा ठीक है और समरी आप बनाते हैं जब तो आप वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो जो आपने नए नए सीखे हैं तो इसलिए आपके जो वर्ड्स हैं उनका भी एक रिविजन हो रहा है ठीक है आपको अगर एडिटोरियल आप अभी अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे मतलब उतने ज़्यादा रिलीजियसली तो आप अभी स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होती है देन रीड समथिंग ऑफ योर लाइकिंग ओके जो भी आपको कुछ पसंद है कहीं का कुछ भी लेकिन इंग्लिश में होना चाहिए वो आप पढ़िए कुछ भी और पढ़िए शोज़ वगैरह देखते हैं यूट्यूब में तो इंग्लिश में देखिए और न्यूज़पेपर अगर आपको ऐसे वेब अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप डाउनलोड करके भी उसे अपने पास रख सकते हैं और रीड कर सकते हैं ठीक है और समरीज वगैरह लिखना बहुत ज़रूरी है मैंने आपको सब कुछ दिखाया हुआ है अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह में कि कैसी समरीज की मैं बात कर रही हूँ और मैं आपको यहाँ पर भी शो कर दूँगी ठीक है उसके बाद आप जो वो कैब मेंटेन कर रहे हैं ना उसको आपको वीकली के वीकली रिवाइज भी करना है इससे आपका स्ट्रांग होगा ऐसा नहीं कि हम बनाकर बस डायरी मेंटेन करके रख रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला वो आपका रिवाइज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप उसमें स्ट्रांग नहीं होंगे ठीक है रीडिंग कॉम्प्रीहशन जो है मेन्स लेवल का ऐसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपको थ्री टू फोर आर सी डेली प्रैक्टिस करना है डेली मॉक्स से अलग मैं आपको बोल रही हूँ और मॉक्स मेन्स लेवल के मॉक्स ज़्यादा हमें नहीं देने होते हैं टू थ्री डेज में आप एक मॉक दीजिए अच्छे से दीजिए अच्छे से एनालाइज करिए यही मेरी स्ट्रेटिजी थी मैं ऐसे पर डे दे मॉक देने को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी आपको ठीक है एरिस्टोटल 99, 99 अवेल कराई थी उसका लेवल 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 तो प्री के लिए के लिए लिए था ठीक है 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 जो नेक्स्ट वो अच्छा है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है उसके लिए मैंने एक तरीका बताया था आपको कि जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं ना तो पैसेज पढ़ने से पहले आप एक बार जो क्वेश्चंस होते हैं आर के उसको देख लिया करिए और कुछ कीवर्ड्स जो हैं हम उसमें से निकाल लेंगे ठीक है हमने कुछ कीवर्ड्स जो हैं निकाल लिए कि हाँ इस इस रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है ठीक एक बार हल्की सी रीडिंग हमें देनी होती है और मेन्स में आपके पास अच्छे से अच्छे भरपूर टाइम होता है ठीक है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लिए एक बार फिर आपने पैसेज पढ़ना स्टार्ट किया जब आप पैसेज पढ़ते हैं ना अचानक से कोई चीज़ आपको क्लिक करेगी कि हाँ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ है तब आप ज़्यादा फोकस से इसको पढ़ेंगे अब तब आप क्वेश्चन से रिलेट करके देखिएगा आपको आंसर मिल जाएगा इस तरीके से जो स्ट्रैटेजी है उसे आप फॉलो कर सकते हैं आप देखिएगा अगर ये आपके लिए वर्क करती है तो वेल एंड गुड नहीं वर्क करती तो आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मेन्स में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है ना क्योंकि टाइम है आपके पास ईजिली अच्छे से टाइम है और एक बहुत बड़ी बात मेन्स में आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहेगी आर आर बी में अगेन प्री में भी नहीं थी मेंस में भी नहीं थी जिसके वजह से मैंने तो अपने एग्जाम में गलती की थी उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी जब स्कोर कार्ड का भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी तो मुझसे क्या गलती हुई थी सेक्शनल टाइमिंग ना होने की वजह से वो मैं आपको बताऊंगी फिर भी मैंने कैसे मैनेज किया था ये भी मैं आपको बताऊंगी ठीक है तो उसके लिए आपको डरना नहीं है सेक्शनल टाइमिंग नहीं है ये मैं आपको वेरी एडवांस बता रही हूँ ठीक है तो आपको आर इस तरीके से सॉल्व करना है उसके बाद देखिए पैराजंबल्स की बात अगर करें तो पैराजल्स आप दो से तीन पैराजम्बल्स प्रैक्टिस करिए आर तो आएगा ही आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लेकिन जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं ना वो भी रीडिंग पर ही बेस्ड आते हैं आपको देखने में लगेगा थोड़ा बड़ा बड़ा सा लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो बन जाएगा हमको देखने में लगता है कि बहुत बड़ा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत डर लग जाता है हमें लेकिन ऐसा नहीं करना है उसको आप पढ़ के देखिए आपको समझ में आएगा ठीक है तो बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पैसेज टाइप के ही होते हैं इसलिए आपको रीडिंग हैबिट इसलिए कह रहे हैं कि रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में मेरे भी स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आते थे नेगेटिव हो जाता था बहुत कुछ लेकिन जब मैंने ग्रेजुअली देखा है अपने में इंप्रूवमेंट तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है एंड हाँ एक चीज मैंने नहीं बताई यहाँ पर कि मैंने थर्टी थ्री या 34 ऐसे कुछ अटैम्प्ट किए थे आर आर बी पी ओ में इंग्लिश में और मेरे जो मार्क्स आए थे वो 32.75 या 33.75 थ्री पॉइंट सेवन इन दोनों फिगर्स में से ही कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा है वो हम लोग देख लेंगे स्कोर कार्ड वाली वीडियो में ठीक है तो ये दो ये जो मैंने बताया इतने मेरे मार्क्स आए थे और ये ग्रेजुअली इंप्रूव होता है एक बार में नहीं इंप्रूव होता है तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको अब आप करनी है ठीक है तो सब कुछ आपके रीडिंग पे बेस्ड होता है आपको रीडिंग हैबिट जो है अपनी डेवलप करनी है पैरा पैराजंबल्स के बारे में मैं ये कह रही थी कि पैरा पैराजम्बल्स चाहे कितना भी हार्ड आए लेकिन हमको सबसे पहले उसमें फर्स्ट सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस या फर्स्ट समझ में आ गया है तो सेकेंड सेंटेंस ये ढूंढना आना चाहिए क्योंकि कई बार इतना हार्ड आ जाता है कि हम नहीं सच में सॉल्व कर पाते हैं नहीं ढूंढ पाते हैं। लेकिन फिर भी हम उसमें रिस्क ले सकते हैं फर्स्ट सेकेंड और लास्ट सेंटेंस ढूंढने का और पक्का जो पाँच क्वेश्चन आए रहते हैं ना पैरा पैराजम्बल्स में उसमें से दो क्वेश्चन हमारे इसलिए बन जाते हैं और हम मार्क्स अटेन कर जाते हैं इसलिए हमें यह हैबिट तो सबसे पहले डेवलप करनी है ठीक है उसके बाद हमें मॉक जब हम देते हैं तो हम क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं जैसे हमने समझ लीजिए मॉक्स में क्वांट कर लिया रीजनिंग कर लिया ऑलरेडी बहुत लेंदी हो जाता है टाइम टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लगता है यार इंग्लिश छोड़ दो देख लेते हैं ठीक है मार्क्स हमको देखना होता है हमने क्वांट या रीजनिंग में कितना आप ऐसे नहीं कर सकते आपका इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा इसलिए आपको मॉक से प्रैक्टिस करना है और मॉक के लिए आपको ऑलिव बोर्ड में रिकमेंड कर रही हूँ कि बाकी तो आप कुछ भी करिए ही करिए लेकिन ऑलिव बोर्ड आप रखिए अपने पास उसमें मेन्स लेवल के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं तो जब भी हम मेन्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ऑलिव हमारे पास होना चाहिए ठीक है उसके बाद आप एप्स होते हैं क्विजेस होते हैं उन सबसे जो है आप प्रैक्टिस आपको करनी है तो ऐप्स और क्विजेस आप फॉलो कर सकते हैं अड्डा टू के भी जो ऐप है उसमें भी क्विजेस रहते हैं अलग अलग सेक्शन वाइज तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है डोंट बी डीमोटिवेटेड समझ लीजिए आपका इंग्लिश बहुत वीक है ना तो आप डीमोटिवेटेड मत होइए कि मेरा तो इंग्लिश वीक है मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा और सबसे बड़ी बात इसमें तो ऑप्शन है आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं तो एक बार आप देख लीजिएगा कि आपका हिंदी अच्छा जा रहा है आप अगर आपको थोड़ा डाउट होगा कि मैं इंग्लिश अटैम्प्ट करूँ एग्जाम में या हिंदी तो आप अभी से मॉक्स में एक देख English, बार देख लीजिएगा इंग्लिश चार पाँच बार अटैम्प्ट करके आपके उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या हिंदी कि हिंदी में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और अभी से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको एग्जाम में कौन सा करना है लास्ट मोमेंट पे चेंज मत करिएगा ये डिसीजन ठीक है उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ कि आप अगर वीक हैं तो भी आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है अगर आप अच्छे हैं तो भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है क्योंकि आप जब तक डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश की तो नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू ठीक है ये ग्रेजुअली होगा तो आरसी आपको डेली करना है आपको मिस्टेक्स से लर्न करना है धीरे धीरे ही आपके जो नेगेटिव मार्किंग वगैरह होंगे ना मॉक्स में वो धीरे धीरे ही कम हो जाएंगे ठीक है और अब कभी भी आप कहीं पर कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें से थोड़ा सा ग्रामर पढ़ने की कोशिश किया करिए एरर डिटेक्शन वगैरह इससे स्ट्रॉग होता है कहीं पर कुछ भी पढ़ रहे हैं ना थोड़ा सा नोटिस करिए कि हाँ ये ग्रामर का ये रूल यहाँ पर लगा है मॉक्स का एनालिसिस मस्ट होता है ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो रही है कि कौन सा से सेक्शन आपका वीक है ये आपको अच्छे से देखना है ठीक है हड़बड़ी नहीं करनी है बोरिंग लगने लगता है मॉक में देते देते तो हड़बड़ी नहीं करनी है बिल्कुल अच्छे से हमें इंग्लिश को टाइम देकर आरसी वगैरह बाकी सारे क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करने हैं Uh, जो स्कोरिंग सेक्शंस होते हैं ना फिलर्स वगैरह ये सब वो बाकी पहले सॉल्व कर लीजिए उसके बाद आप टाइम निकाल लीजिए आर के लिए और पैराजंबल्स के लिए ठीक है तो इन, इन, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इट कम्स विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज इफ़ यूर टोटली इन टू इट आपको आ जाएगा धीरे धीरे आ ही जाएगा अगर आप बिल्कुल लग गए हैं प्रिपरेशन में बिल्कुल आप हार्डवर्क कर रहे हैं चाह रहे हैं अपनी रीडिंग हैबिट को अच्छे से डेवलप करना बिल्कुल आपको आ जाएगा ठीक है वन ट्वेंटी रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक मैंने रिव्यू की थी रूल्स uh, वैसे इतना ज़्यादा मेंस में नहीं आता uh, बिल्कुल आप रूल्स पढ़ के चले जाएंगे तो आपका मेंस अच्छा चला जाएगा ये बिल्कुल uh, गलत है लेकिन फिर भी आप ग्रामर्स uh, के लिए वो बुक uh, मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप पढ़ सकते हैं ठीक है थीके? और अपने सेल्फ़ नोट्स बनाइए जहाँ पर आपको जैसा लगे कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ लिख लेना चाहिए आप अपने शॉर्ट सेल्फ नोट्स बनाइए ठीक है तो मैंने आपको बताया कि अड्डा के टू जो ऐप है वो आपको फॉलो करना है क्विजेस वगैरह देने के लिए उसका मेन्स का इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्ले लिस्ट जैसे पीओ मेंस का भी आया होगा एसबीआई पीओ मेंस का भी आया होगा तो उससे रिलेटेड एक प्ले होगी पूरी बनी हुई वहाँ पर वो आप सर्च कर लीजिए वहाँ पर आपको बहुत सारे सेशन्स मिल जाएंगे वो आपको आरआर बी पी ओ में भी हेल्प करेगा ठीक है एरर डिटेक्शन को खास आपको ध्यान देना है क्योंकि उससे उस रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस करने हैं जैसे मैंने आपको पैराजल्स का बोला जैसे आर सी का बोला तो एरर डिटेक्शन भी आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए एनालाइज कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और कितने मार्क्स के आए हैं कितने क्वेश्चन आए हैं तो आप दो तीन साल का देख लेंगे तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा और उस अकॉर्डिंग आप अपनी डेली की स्ट्रैटेजी बनाइए कि मुझे इतने ये क्वेश्चन ये टॉपिक हर दिन इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं आई होप फ्रेंड्स आपको सबको समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ एक ऑनलाइन डिक्शनरी भी आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं जैसे समझ लीजिए कोई भी वो आप सर्च कर रहे हैं कोई भी वर्ड तो उसकी मीनिंग नोट्स बना सकते हैं और वहाँ पर भी सेव करके रख सकते हैं किसी किसी डिक्शनरी में ये ऑप्शन होता है ठीक है द हिंदू एडिटोरियल डेली के डेली हमें करना ही करना है एडिटोरियल के सेशन निमिषा बंसल मैडम के आते हैं आप उसको भी वॉच कर सकते हैं अगर आप अपने सामने फिजिकल पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो ठीक है और शोज वगैरह कुछ देखते हैं तो इंग्लिश में देखिए बेस्ट है और जो मैंने आपको बताया कि ग्रामर इडियम्स एडिटोरियल ये सब सारे के लिए आप निमिषा बंसल मैडम को फॉलो कर सकते हैं वीडियो लेंदी होगी बिकॉज हम यहाँ पर अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें बात कर रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि आप 1.5 का प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर या टू इंटू टू करके देख सकते हैं तो आप ऐसे करके देखिए ठीक है मैं क्योंकि बहुत सब कुछ सोच सोच के अच्छे से बताऊंगी मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं बता सकती आपको जितना uh, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जल्दी जल्दी बता सकूँ उतना बताती हूँ लेकिन आप अपनी तरफ से अपनी कंफर्ट लेवल को देखिए कि आप वीडियो को अगर तेज वॉच कर सकते हैं यूट्यूब में फीचर दिया हुआ है आप वैसे वॉच करिए ठीक है क्योंकि आपको ऐसे जबरदस्ती का टाइम नहीं देना है किसी भी चीज़ के पीछे चाहे वो मेरी भी वीडियो क्यों ना हो तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आपको और कहीं नहीं मिल रहे हैं तो गाइडली का ऐप आप मैंने आपको बताया हुआ है वहां पर आप सर्च करेंगे फ्री पी का एक सेक्शन होता है वहां पर आप लास्ट ईयर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएगा ठीक है तो ये मैंने मेरे को एक चीज़ बतानी थी और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मॉक्स जब आप ते हैं ना, तो इंग्लिश में ऐसा तो नहीं है कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे कुछ आपसे रह गया होगा तो जब आप मॉक खत्म कर लेते हैं तो बैठ के वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने ऐसा नहीं कि हमारा काम खत्म हो गया हमने मॉक दे दिया हमने एनालिसिस भी कर लिया लेकिन ये चीज़ आपको मस्ट करना है सारे सेक्शन में कि वो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करनी है इससे आपको मेन्स लेवल कॉन्टेंट भी मिल जा रहा है और आपको मतलब इधर उधर देखना भी नहीं पड़ रहा है ज्यादा तो एक जगह पे आपको इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है भले ही आपने अटेम्प्ट नहीं किया लेकिन आप उसको बाद में सॉल्व करिए जब आपका मॉक फिनिश हो जाए उसके बाद ठीक है सो दैट वाज ऑल माय डियर फ्रेंड्स अबाउट इंग्लिश इंग्लिश सेक्शन एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स कंप्यूटर सो वेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर माई डियर फ्रेंड्स यू कैन नॉट एट ऑल क्वालिफाई विदाउट कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर में आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना ही निकालना है ज़रूरी है मस्ट है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना है ठीक है और कंप्यूटर कुछ बच्चों का बहुत वीक होता है कुछ बच्चे तेज होते हैं लेकिन जिनका वीक है उनके लिए ये एक मैटर है जिसपे आपको फोकस करना पड़ेगा अभी कि कंप्यूटर का सेक्शनल कट ऑफ अगर आपने नहीं निकाला तो आपका पूरा का पूरा मेहनत बेकार है तो कंप्यूटर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी जिस इसको मैंने लास्ट लास्ट में ही स्टार्ट किया था आपको अभी से करना है ठीक है मतलब मैं ज़्यादा नहीं फोकस कर पाई थी लेकिन मुझे ये पता था कि सेक्शनल कट ऑफ निकालना ही पड़ेगा तो फिर मैंने एकदम कैसे भी इसको किया ही था और मैंने लास्टली मतलब मैनेज कर लिया था कि मैं कर, जो सेक्शनल कट ऑफ था उसे निकाल पाई थी ठीक है तो ये चीज़ आपको अच्छे से करनी है कि द फर्स्ट थिंग इज अरिहंत या लूसेंट आपको इन दोनों बुक्स में से जो कंफर्टेबल लगे वो आप एक बार रीड करना ही है ठीक है मैंने अरिहंत रीड किया था तो आपको जो भी इसमें कंफर्टेबल लगे आप थोड़ा दो, दो चार पेजेस अरिहंत के पढ़िए दो चार पेजेस लूसेंट के पढ़िए एक बार आप पीडीएफ भी मतलब गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा आप वहाँ से ही पढ़ के एक बार देख लीजिए ये आपको इन दोनों में से एक चीज रीड करनी ही करनी है ठीक है तो अगर आपके पास है समझ लीजिए आपके पास है अब खरीदिए मत ठीक है अगर आपके पास है तो पढ़िए पी वगैरह होगा अवेलेबल गूगल पे वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं तो एक बार ना आप पूरी एक रीडिंग दे दीजिए ठीक है उसके बाद मैंने अरिहंत पढ़ा था ये मैंने आपको बताया ठीक है आपका फाउंडेशन इससे ले हो जाता है डेली का पंद्रह बीस पेजेस का टारगेट आप बनाइए और कंप्यूटर को अभी से आप एक से दो घंटे देने की कोशिश करिए हर दिन क्योंकि आपको उसमें सेक्शनल निकालना है ठीक है कट ऑफ निकालना है तो उसके बाद ऑलिव बोर्ड कंप्यूटर बोल्ट एक पीडीएफ आती है ठीक है मैं उसको ऑलरेडी अवेल अवेलेबल करवा चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे फिर से करवा दूंगी तो ये जो है लिंक में आपको मिल सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ऑलिव बोर्ड बोल्ट की एक पीडीएफ है बहुत ही अच्छी पी है मतलब उसमें कॉम्प्रिहेंसिव रूप में सब कुछ दिया हुआ है वो मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था आपको मैं अपने शॉर्ट नोट्स में वो दिखा भी चुकी हूँ शायद नहीं दिखाया तो दिखा भी दूँगी कि मेरे पास है मैंने पढ़ी हुई है पूरी की पूरी एकदम अच्छे से पढ़ी है मैंने ठीक है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको एक बार आइडिया होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो कम से कम चार साल के आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए और वीडियोस आते हैं इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जहां पर सॉल्व कराते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल में ऐसे वीडियोस डले हुए हैं कि कंप्यूटर और आरबीपीओ मेन्स लास्ट ईयर क्वेश्चंस तो उसको आप देख लीजिएगा कोचीफाई करके एक बेस्ट यहाँ पर वीडियो डली हुई है चैनल है कोचिफाई उसमें एक बेस्ट वीडियो डली हुई है एक वीडियो जिसकी मैं लिंक आपको बता दे दूंगी आप, आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब में मैराथन कंप्यूटर मैराथन आर आर बी पी ओ मेन्स ऐसे करके लगभग दो तीन घंटे की वो वीडियो है लेकिन जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा ना तब आप इस वीडियो को देखिएगा और एकदम प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर देखिएगा तो आपका जल्दी भी फिनिश हो जाएगा और पूरी की पूरी मतलब मैंने रिविजन इस वीडियो से कर ली थी पूरा आपका कवर हो जाएगा सब कुछ ठीक है बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री जो है मुझे फील हुआ था इस वीडियो को वॉच करने के बाद इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इससे एकदम आपका रिवीजन हो जाएगा एंड ऑल दिस इज़ एकदम सफिशिएंट तो उसके बाद लास्टली जो बच जाता है वो है एमसीक्यू और क्विजेस जो कि आपको फिर उसके बाद लगाते ही रहने हैं जब आपका इतना कुछ हो जाएगा तो आपको फिर हर दिन आपको एम और क्विजेस बहुत सारे ऐप्स में कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्विजेस मिल जाएंगे टेस्ट मिल जाएंगे मेरे ख्याल से प्रैक्टिस मॉक में मैंने देखा हुआ है कि वहाँ पर मॉक जो है क्विजेस कंप्यूटर पर बेस्ड आपको मिल जाएंगे या तो आप वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं मतलब एक्सट्रीम नंबर ऑफ आपको डियोज मिल जाएंगे जिसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो आपको फिर उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं सॉल्व करने हैं सो so, ये सारी चीजें हो जाए तब आप एम सी क्यू और क्विजेस को सॉल्व करिए सो दिस ऑल आई फॉलोड फॉर कंप्यूटर और आप अगर इतना कर लिए ना आपका डेफिनेटली जो है अच्छे मार्क्स आएंगे एंड कट ऑफ तो ईजिली क्लियर हो ही जाएगा नो लेट्स टॉक अबाउट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यहां पर अभी तक आपने जो भी चैप्टर छोड़े होंगे ना नारिथमेटिक में जिसपे भी ध्यान नहीं दिया होगा अब ये नहीं चलेगा एरथमेटिक का एक चैप्टर आपका फर्स्ट टास्क यही है कि एरिथमेटिक के एक एक चैप्टर का बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए एकदम आपको पॉलिश करना है और इसके लिए मैंने आपको हज़ार बार बता चुका है शायद कि करियर डिफाइनर चैनल है उस उससे मैंने प्रैक्टिस किया था यहाँ पर आपको टॉपिक बेस्ड सारे के सारे चैप्टर बेस्ड आपको मिल जाएगा प्रिपेयर यहाँ से आप कर सकते हैं एक एक एरिथमेटिक के चैप्टर को पॉलिश करिए क्योंकि इसी पे बेस्ड जो है डी आती है ठीक है मैक्सिमम इसी पे बेस्ड आपको डी देखने को मिल जाएगी मैंसुरेशन वगैरह जो आपने छोड़ दिया है कई डी आई वगैरह हर साल इस पे बेस्ड आपको मिल जाती है ठीक है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हम मशीन इनपुट आउटपुट छोड़ देते हैं प्री तक तो छोड़ दिया ठीक है लेकिन मुझे याद है कि मुझसे मीन्स uh, में ना अगर दूसरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे इतना टफ आता है जनरली पीओ का मेंस कि दूसरे क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो इनपुट आउटपुट एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पर हेल्प कर जाएगी अगर आपका इसमें अच्छे से बेसिक्स क्लियर है तो इनपुट आउटपुट भी अब आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है ठीक है अब आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे तो उसके लिए स्टडी नीति चैनल है बेस्ट चैनल है आपको एक ही जगह पे सब कुछ नहीं मिलेगा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा स्टडी नीति मेंस लेवल चैनल मेंस लेवल क्वेश्चंस या मेंस लेवल डीआई ऐसे करके आप सर्च uh, करिए आपको मिल जाएगा ठीक है देखिए कट ऑफ इतना कम जाता है ना क्योंकि लेवल इतना हाई है तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने अगर क्वांट में ट्वेंटी प्लस सिक्सटी मार्क्स में समझ लीजिए फिफ्टी सिक्सटी मार्क्स में से आपने ट्वेंटी प्लस भी कर लिया ना मतलब आपने इतना अच्छा कर लिया है कि हम कह नहीं सकते ठीक है तो आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है डीपली पढ़ना है तो करियर डिफाइनर चैनल को फॉलो करिए स्मृति मैडम को फॉलो करिए और सर्वेश वर्मा की मैंने आपको क्वांटम कैट की बुक तो दी हुई ही है पी वाइज तो टेलीग्राम पर उसका लेवल टू आप फॉलो कर सकते हैं फॉर मेन्स प्रिपरेशन ठीक है जो टेस्ट बुक की एस चंद की एक स्मार्ट बुक आती है उस वो बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए प्री के लिए तो बेस्ट है ही लेकिन जो उसका नेक्स्ट लेवल है वो बेस्ट है मेंस के लिए इवन आई सर्वेश वर्मा बुक इतनी अच्छी बुक है वो तो अगर आपके पास है तो वेरी गुड एंड नहीं है तो आप ले लीजिए वो जो बुक है उसमें जिस तरीके से आपको स्मार्ट uh, तरीके से आपको बताया है जैसे समझ लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है लेकिन यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया है कि ट्वेंटी सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए तो आपको बुक में सॉल्व करते करते पता चल जाता है कि आपको एवरेज बेसिस पे ये जो क्वेश्चन है वो कितने सेकेंड्स में या कितने टाइम में सॉल्व होना चाहिए और आप उसी अकॉर्डिंग फिर अपने आप को ढालने लगते हैं इस तरीके से उसमें प्रिपेयर करने का पूरा स्ट्रैटेजी है बेस्ट 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 बुक है अगर किसी ने पूरा सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है और अब उसको बैठ के बस प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए वो बेस्ट बुक है ठीक है फिर भी जो एकदम डीपर लेवल होते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया स्टडी नीति चैनल और करियर डिफाइनर आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है इनपुट आउटपुट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन बोट्स एंड स्ट्रीम्स मैंश्यूशन प्रोबेबिलिटी इन सब पे बेस्ड डी आई आपको देखने मिलेगी इसलिए अब इन किसी से आपको भागना नहीं है और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एक पे बार देख लीजिए लेवल जो है वो चेक कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अब आपको हर कुछ अपना जो है वो फॉलो करना पॉलिश करना है ठीक है क्वांट्स को आपने अगर बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर लिया ना क्वांट को डीपली स्टडी कर लिया और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ऑलरेडी रेस में आ गए हैं क्योंकि क्वांट का मेंस लेवल जो है कट ऑफ मोस्टली सिंगल डिजिट में देखने मिलता है फोर फाइव सिक्स ऐसा तो डू योर बेस्ट एंड सबसे आगे निकलिए क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसमें सब कोई का मतलब एक समान स्कोर रहता है तो अगर आप अपना बेस्ट अगर सब्जेक्ट को बना रहे हैं तो आप और रेस में आगे निकल सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी रिसोर्सेज कि आपको क्वांट में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या पढ़ना है और एक और बात कि आपको देखने को लगेगा ना समझ लीजिए कोई भी डी आई है या कुछ भी आया है पैराग्राफ पैराग्राफ में डी दी रहेगी तो लगेगा कि कितना हार्ड लग रहा है लंबे लंबे क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है बट अगर आप थोड़ा सा रीड करेंगे ना रीडिंग हैबिट जो इंग्लिश की है आपकी यहाँ पर भी काम आएगी रीड करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप तो बस ऐसे ही पैनिक कर रहे थे ईजिली बन जाता है ईजिली जो थोड़े से मतलब उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बड़ा चौड़ा दिखा दिया जाता है लेकिन आप रीड करेंगे तो वो ईजिली बन जाएगा इसलिए चाहे मॉक हो या रियल एग्जाम आपको डरना नहीं है बड़े बड़े क्वेश्चन देखें क्योंकि मेन्स है मेन्स आपको कुछ तो डिफरेंट दिखेगा ना अप्री से तो इन सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है अब तो ये इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्वांट इंग्लिश और कंप्यूटर कैसे प्रिपेयर करना है नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से अच्छे से बात करेंगे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के बारे में सो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप इस तरीके से प्रिपेयर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे और कुछ भी बच जाएगा ना इस वीडियो में जो कुछ भी बचा होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे वहाँ पर बता दूंगी और जिस भी चीज़ की मैंने बात की है कि मैं आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो वो सब चीज़ों के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा और पिंड कॉमेंट चेक कर लीजिएगा वहाँ पर आपको मिल जाएगी सबसे पहले आपको क्या करना है अभी आर आर बी पी ओ लेवल का एक मेंस का मॉक देना है जिसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे पहला काम प्रिपरेशन में आपको यही स्टार्ट करना है यहीं से सो गो एंड दैट मॉक टेस्ट ओके सो दिस इज साबिर साइनिंग ऑफ सी यू एन वन नेक्स्ट सेशन टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग